तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। मैं बहुत बढ़िया, आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है इस नए मजार फ्रेश व्लॉग में। एक नए व्लॉग की शुरुआत तक एक फ्रेश टेक के साथ, और इसी के साथ एक और नया व्लॉग, एक और नया दिन। आज भाई आज है अपना ऑफ और एग्जाम चल रहे हैं अपने जैसे भी। तो अब तो खैर उसका एग्जाम होगा, किसका? इलेक्ट्रिकल का। तो खैर मजे के दिन है। आज है भाई 10th of August, बहुत दिन बाहर थोड़ी देर, और बाकी ठीक है। अभी तो जस्ट स्कूटी उतारने जा रहे थे भाई, जा रहे थे काम से, तो जल्दी से वो काम कर लेते हैं फिर निकलते हैं। बाकी यार पेड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है अभी, ये देखो देख रहा हूँ। और बाय द वे ये एक काइंड ऑफ अ फ्रूट होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को अभी याद नहीं है, बट हिंदी में उसे सहतूत बोलते हैं। उसी चीज़ का पेड़ है भाई, और बहुत बड़ा हो रखा है इस टाइम पे, खासकर मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा होते भी है भाई, इतने होते हैं भाई, अगल बगल वाले सब खाते पीते रहते हैं फिर भी भाई खत्म नहीं होते इसमें तो। और देखो इधर पे अलग ही ग्रीनरी उग रखी है, तो ये तो खैर वेस्टलेस है, ये वाली खाली यूजफुल है भाई, क्योंकि इसमें फ्रूट होता है भाई एक। और पीछे मशीन रखी हुई है भाई, जो भाई आप छोटी छोटी बॉटल्स पीते हो भाई, इतनी बड़ी बड़ी वाली वो भाई इसी मशीन से बनती है। पीछे देखो धरी हुई है, दिख रहा होगा ये मशीन है, और एक उधर आगे मशीन है, इन्हीं मशीन से वो बनती है। और तो एक्चुअली ऐसे सीन हो भाई, देखो ये कंप्रेसर भी रखा हुआ है, पेंट वेंट करना होता है पेंट भी कर लेते हैं, हवा भर लेते हैं तो ऐसा। और भाई कल पता है क्या हुआ, कल भाई जीने से उतर रहे थे भाई, गिर पड़े यार। अब पैर में मेरे हो रहा है इस टाइम पे दर्द, अब देखते हैं उसका क्या सीन है भाई। मोच वोच शायद आई थिंक आ गई है, तो वो चीज़ तो चलो ठीक हो जाएगी। निकलते हैं भाई जल्दी से कर लेते हैं, और फिर वापस से घर जाते हैं पढ़ेंगे, और फिर उसको लेके चलेंगे अभी बाहर सड़कों पे। तो ऐसे पूरे सीन है, निकलते हैं भाई। तो भाई हो गया भाई, अभी हो चुके हैं नहा के रेडी, और नहा चुके हैं भाई। अभी बज रहा है भाई शाम के 4, और भाई आप में से कितने लोग हो भाई जो इस तेल को लगाते हो भाई? कोकोनट ऑयल की कोई भी कंपैरिजन नहीं है भाई इस दुनिया में। शायद मेरे मुझे लगता भाई कि कोकोनट ऑयल से अच्छा महकने वाला और अच्छा ऑयल मुझे तो पर्सनली यही पसंद है, और वो भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे आते हैं कोकोनट ऑयल, बट ये जो पैराशूट का है ना भाई, दिस इज लाइक द वन ऑफ द बेस्ट। तो ऐसे पूरा सीन अभी जैसे नहा के निकले थे, मैं सोचा चलो ठीक है नहा लेते हैं भाई। शाम 4 बज गए भाई, सोचो दिन भर का निकल गया भाई, अब शाम को नहा लिए, अब जा रहे थे भाई इसके बाद चाय भाई पीने, और फिर न पढ़ने बैठेंगे। सुबह पढ़ने बैठे थे, देखो लैपटॉप पड़ा हुआ है इधर ही, सुबह पढ़ने बैठे थे, एक लेक्चर देखे थे सी का, बट मुझे फिर बाद में याद आया भाई कि इलेक्ट्रिकल का पेपर पहले या फिर सी का बाद में, और उनके बीच की गैपिंग 4 दिन की है। मैंने पहले सोचा एक दिन की है तो अभी मतलब थोड़ा थोड़ा सी भी पढ़ लेते, बट देखा कि जब 4 दिन की है तो भाई तब की तब पढ़ेंगे यार, इतनी जल्दी क्यों पढ़नी है तो ऐसा सही ना पूरा। ठीक है जल्दी से एक बार तैयार होते हैं, फिर आपको मिलते हैं कपड़े पहनने के बाद। ठीक है भाई वापस नहा धो के एकदम फिट हो गए तैयार होके, और इस टाइम में पता क्या हुआ भाई, आज हमारे घर का इन्वर्टर कभी खराब हो गया, आज ही होना था खराब, तो ऐसा पूरा सीन है। बाकी अभी कुछ आए भाई ढूंढने, विच इज द वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क भाई, किचन से मम्मी के कुछ ढूंढ रहे भाई खाने यार, मुझे ना मिलता भाई कुछ भी, देखते हैं ढूंढते हैं भाई इसके अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई, नहीं इनके अंदर मिलेगा। मम्मी कहाँ है? ये वाला इधर वाला किधर वाला? स्टील का कटोरा ना। ओके अब ये देखो हमारे इसी बीच खड़े हैं मिस्टर ऋषिराज सिंह मल, तो चलिए ले चलिए फटाक से चलते हैं घूमने, हम चलाएंगे तो ये ब्लॉग तुम चलाओगे, कोई बात नहीं पहुंच के वहां मिलते हैं भैया। ये देखो भाई ये है भैया मेट्रो का सिस्टम, आज अंधेरा हो गया भैया,
देखो भाई कैसी बन गई एकदम गजब की, और वो है नवस्था चौरा। तो ऐसा पूरा सीन है, ऋषि भाई साहब पैसा देने गए हैं आखिरी खाने पीने का, बाकी दौड़ते ही चलते हैं भाई, ऋषि आएंगे यहीं गाड़ी लेके। तो ऐसा पूरा सीन है, बाकी वो देखो आएंगे। सो भाई अभी बैठे हैं भाई यहाँ छत पे, और अभी भी एक हमारे पास बैड न्यूज आई है ग्रुप पे हमारे, कि हमारी जो क्लासेस थी गाइस बीटेक में, उसके भाई सेक्शन चेंज हो गए यार। हर साल भाई शफलिंग होती थी, तो ये चीज तो पता थी कि हर ईयर मतलब शफलिंग होती है हर सेमेस्टर, तो आई थिंक हर सेमेस्टर होती है शफलिंग। बट सेमेस्टर वन में तो ऐसा नहीं हुआ था हम लोग के साथ, क्योंकि आईटी के दो ही सेक्शन थे वहां पे, वो केवल सीएस में होता था, क्योंकि सीएस के 7-8 सेक्शन होते हैं, तो उनमें बच्चे शफल कर दिए जाते हैं। तो ये चीज तो खैर पता थी, बट लेकिन आईटी में भी हो गई क्योंकि इसमें दो ही सेक्शन थे और इसमें भी शफलिंग हो गई। तो ये चीज सुनकर अभी शॉकिंग लग रहा है, बहुत शॉक लग रहा है कि ये चीज पहली बार तो कैसे हो गई यार, दो सेक्शन थे उसमें भी बच्चे इन्होंने शफल कर दिए, और सेमेस्टर वन में तो ऐसा नहीं हुआ था, हमारे साथ अब सेकेंड ईयर में ये हो रहा है। तो यार ये एक नई बैड न्यूज है भाई हमारे पास अभी। खैर मैं सत्यम और तनिष्का तो एक ग्रुप में है, बाकी हमारे ग्रुप के दो मेंबर यश और सृष्टि वो अलग सेक्शन में चले गए। हालांकि सेक्शन अगल बगल ही लगते हैं, जस्ट नेक्स्ट रूम में लगता है, बट लेकिन फिर भी यार ऐसे दिन भर साथ बैठते उठते थे, साथ खेलते कूदते थे, साथ मजे मस्ती करते थे, एक साल भाई दिए हैं भाई आपस में, कोई किसी को नहीं जानता था, हम पांचों लोग सब नए थे भाई एकदम से, कोई किसी को नहीं जानता था बीटेक के पहले, और बीटेक में आके क्लास में हमारी दोस्ती हुई थी भाई। बट लेकिन भाई अब सृष्टि और यश का भाई अलग सेक्शन हो गया, तो यार वो चीज़ एक तरह से शौक के टाइप में लग रही है भाई इस टाइम की, मतलब ये क्यों हो गया यार। और अगर अरे यार लाख भाई होता है कि लंच में मिल लेंगे ये होता, बट फिर भी यार भाई एक बार सेक्शन चेंज हो जाता है ना गाइस, तो फिर चीज़ें दूरी बन जाती भाई एक तरह से, कहने का मतलब है मेरे। और क्या ही बोले भाई, इस टाइम तो मेरा दिमाग खराब हो रखा है बहुत तेज भाई, मैं सोचा नहीं था भाई ये चीज हो जाएगी। मुझे पता था कि शफलिंग वगैरह होगी, बट मुझे लगता था सीएस वगैरह में होगी यार, और ये तो भाई अभी हो गई यार, क्या ही कर सकते हैं। चलो वो चीज जो होनी थी भाई वो हो चुकी है, अब उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो अब उनके रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं। और शफलिंग भी मे बी इसीलिए वो लोग करते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो खासकर पढ़ाई में ध्यान लगाएं, या फिर जो रीज़न होता हो, मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई दोस्ती तोड़वा दो भाई, नए बच्चे मिलेंगे फिर से नया एक्सपीरियंस होगा, फिर नई तरह से पढ़ेंगे भाई बच्चे। हालांकि ये चीज़ से बच्चों का माइंड भाई डिस्टर्ब हो जाता है यार, वो एक बार एक फेस में एक पेस में कम्फर्टेबल हो जाते हैं, बट फिर आप एकदम से भाई चेंज हो जाता है, तो फिर उनके लिए बहुत टेंशन होती है। तो ऐसा पूरा सीन है भाई, अभी तो ये चीज़ होगी, छत पे बैठे थे भाई अपनी, और हल्की हल्की देख रहे हो बारिश हो रही है, आपको दिख भी रहा होगा रेन ड्रॉप्स को, बाकी नहीं दिख रहा होगा तुम्हें विराद है इसलिए नहीं दिख रहा है, बट एकदम हल्की हल्की सी बारिश हो रही है भाई। तो यार ये चीज़ बड़ी क्या बोले, अब चलो ठीक है यार, अब जा रहे खाना पीना खाने यार, बट लेकिन बहुत शौक हुआ भाई ये बात सुन के, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है भाई कि ये क्यों हो गया भाई ऐसा, हो मतलब क्या ही ज़रूरत थी यार शफलिंग करने की भाई, दो सेक्शन थे भाई 70-70 150 बच्चा था खाली आई टीम भाई, उन 150 बच्चों को भी आपस में कर दिया। और चलो ये तो भाई मेरे सगे दोस्त थे भाई, ये पांच भाई मेरे सगे हैं भाई, और इसके अलावा भाई मेरी आधी क्लास भी मेरी दोस्त है यार, तो भाई अब आधी ऑब्वियसली खाली इन दोनों में थोड़ी शफलिंग हुई है, पूरी क्लास में शफलिंग हुई है, तो बाकी बच्चे भी भाई गए होंगे जिनसे अच्छे बॉन्ड्स थे। हाँ ऐसा भी है कि भाई जो अगर हमारी क्लास से बच्चे गए हैं तो उनकी क्लास से बच्चे आएंगे भी जो दूसरे सेक्शन हमारे, बट लेकिन भाई नए बच्चों के साथ आप कहाँ पे कंफर्टेबल फील कर पाते हो जब आपके साथ ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स की दोस्ती हो रखी होती है। तो ऐसा पूरा सीन हो गया भाई, बहुत गलत सीन हो गया अपने साथ भाई बीटेक में, ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, हालांकि पता था ये चीज़ हो जाएगी, बट लेकिन इसको झेलने की क्षमता नहीं थी भाई सच बताएं। तो खैर अब वो चीज़ हो गई है तो हो गई है, क्या ही कर सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, अभी ये भी एक लाइफ का फेज है भाई जो कि निकल रहा है भाई, हो सकता है भाई ये हमें ये सीख दे रहे हो कि कोई भी चीज़ कभी परमानेंट मत बनाओ, एक ना एक दिन सब चला जाता है भाई। हालांकि अपने दोस्तों अभी भी हैं भाई, कोई कहीं जा नहीं रहा, बट नेक्स्ट सेक्शन चले गए वो लोग, तो मे भी थोड़ा सा कट जाए भाई वो अब हम लोग से, बट कटने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे भाई साथ रहेंगे सब लोग, और जो पाँचों लोग हैं भाई भाई पाँच बने रहेंगे दोस्ती यारी में अपनी रहेंगे और मजा मस्ती करेंगे। तो ऐसा पूरा सीन है, खाना आ रहा है मेरा, खाना खा लेते हैं फिर देखते हैं क्या करना है भाई। आज की पढ़ाई हो गई भाई, इलेक्ट्रिकल पढ़े थे तो भाई यूनिट 3 ट्रांसफार्मर पढ़ डाली भाई पूरी, ट्रांसफार्मर तो भाई ने सीख लिया कैसे क्या बनता है और क्या होता है ट्रांसफार्मर में, बाकी
बाकी क्या, बाकी ठीक है। अब 16 तारीख को दे आएंगे टेस्ट एग्ज़ाम, सॉरी एग्ज़ाम टेस्ट नहीं एग्ज़ाम। बाकी भाई जितने भी लोगों को, भाई अगर कुछ मैं रोज़ व्लॉग नहीं डाल पाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट्स ज़रूर अपलोड करता हूँ, तो जिसने जिसने शॉर्ट्स नहीं देखी हैं भाई जाके शॉर्ट्स को एक बार चेकआउट करो। और मेनली ऐसा नहीं है कि जब, वैसे तो मेरा व्लॉग्स आते ही रहते हैं, एक आध दो दिन में व्लॉग आते हैं डेली के, बाकी शॉर्ट्स मैं रोज़ अपलोड करता हूँ और सारी अपडेट आपको शॉर्ट्स पे मिलती है मेरी, तो जाके शॉर्ट्स को चेकआउट करो और किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं शॉर्ट्स पे डालता हूँ। और भाई एक डेटा हो रहा है यार कि भाई मैंने यूट्यूब एनालिटिक्स में खोला था, भाई जितने भी लोग हैं भाई बहुत ज़्यादा कम वो लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं समझे, और बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए, ज़्यादातर व्यूज़ उनसे आते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भाई जाके सब्सक्राइब करो यार तुम लोग भी भाई, ठीक है। और बाकी ठीक है, खाना आ गया, खाना खा लेते हैं।